Hello children, in last class we have started chapter 6, ranking test, alphabet test and logical sequence of words. So मैंने आपको बताया था कि हम ranking test कैसे करते हैं, हमने इसके types पढ़े थे, alphabet test के भी हमने types पढ़े थे कि किस type के questions इस chapter में होंगे, और हमने पढ़ा था logical sequence of words के बारे में. So children, आज हम start करेंगे exercise, okay? सो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, गरिमा रैंक्ड 7th इन अ क्लास ऑफ 49 स्टूडेंट्स फ्रॉम द टॉप. इसमें क्या बताई है अभी तक, गरिमा की क्या है रैंक, 49 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, ओके. जो गरिमा की रैंक है वो टॉप से क्या है, 7th नंबर पर. मतलब कि आप ऐसे मानिए, ये क्या है 7th नंबर पर गरिमा की रैंक है, यहाँ पे क्या है गरिमा है, ओके. वो क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 49. पूरी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 49 स्टूडेंट्स हैं, ओके. गरिमा की रैंक क्या है, 7th है, ओके. व्हाट इज हर रैंक फ्रॉम द बॉटम इन द क्लास. तो अब हमें बताऊँ क्वेश्चन में क्या बताना है, हमें बताना है कि देखो टॉप से तो हमें गरिमा की रैंक 7th दी हुई है, अब हमें उसकी बॉटम से रैंक बतानी है, उसके नीचे से रैंक क्या है, बॉटम से क्या है उसकी रैंक, ओके. सो देखिए टोटल है 49 चिल्ड्रन, 49 स्टूडेंट्स हैं, गरिमा की रैंक 7 है, इट मीन्स गरिमा से कितने स्टूडेंट्स आगे हैं, 6, ओके. अगर गरिमा की रैंक 7th है बच्चों, तो उससे आगे कितने स्टूडेंट्स हैं, 6 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, अब हमें निकालनी है बॉटम से रैंक. सो चिल्ड्रन यहाँ पर हो गए 7 स्टूडेंट्स, तो इसके नीचे गरिमा के नीचे कितने स्टूडेंट्स होंगे बताइए, कितने स्टूडेंट्स होंगे गरिमा के नीचे, 42, ओके. हमने क्या किया, 49 में से 7 स्टूडेंट्स को माइनस कर दिया, तो इसके नीचे कितने होंगे, 42, ठीक है. अब हमें बतानी है बॉटम से उसकी रैंक, तो हम कैसे बताएंगे, देखिए इससे नीचे कितने हैं, 42, 42nd हो गई यहाँ तक, फिर इसकी रैंक क्या होगी, 43rd. गरिमा की रैंक क्या होगी बॉटम से, 43rd, ओके. देखिए चिल्ड्रन हमने क्या किया, हमें यहाँ से हमें दिए हुए हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ओके, और हमें दी हुई है गरिमा की रैंक कितनी है, 7th है, इसके आगे कितने बच्चे हैं, 6, और इसके पीछे कितने हैं, 42. हमें इसकी बॉटम से रैंक बतानी है, तो इसके पीछे तो 42 है, और ये खुद कितने हो गए, 43rd, ओके, फ्रॉम द बॉटम. नेक्स्ट है, इफ राज फाइंड्स दैट ही इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन अ लाइन ऑफ बॉयज, ठीक है. तो फर्स्टली हम इस लाइन को भी करते हैं कि राज क्या है, एक लाइन में बैठा है बच्चों, ठीक है. उसकी रैंक क्या है लेफ्ट से, लेफ्ट साइड ये है ना, लेफ्ट से उसकी रैंक है 10th पर, ठीक है, वो 10th पर है राज, ओके. नेक्स्ट लाइन में है एंड 6 फ्रॉम द राइट हैंड, और उसकी राइट से क्या रैंक है, 6. सो इट मीन्स इसके यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं, 5, ओके. अगर इसकी रैंक यहाँ पे 10th है बच्चों, तो यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं, 9, ठीक है. देन हाउ मैनी बॉयज शुड बी एडेड टू द लाइन, तो हमें कितने बॉयज़ और ऐड करने पड़ेंगे, सच दैट देर आर 28 बॉयज़ इन द लाइन. सो हमें कितने स्टूडेंट्स, कितने बच्चे ऐड करने पड़ेंगे कि जो टोटल है लाइन में वो 28 स्टूडेंट्स की, 28 बॉयज़ की लाइन हो जाए. सो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जो अब प्रेजेंट में कितने बॉयज़ हैं लाइन के अंदर. देखिए 9 ये रहे राज से पहले, और 5 ये रहे राज के बाद, ठीक है, और एक है राज. तो कितने हुए, 9 प्लस राज 10 प्लस 5 15. सो अब प्रेजेंट में कितने चिल्ड्रन हैं बच्चों, 15, ओके. सो हमें देखो 28 करने हैं टोटल. सो 15 में हम क्या ऐड करेंगे कि 28 हो जाएगा, ये देखिए 28 माइनस 15 कितना होता है, 28 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 13, ओके. सो हमें कितने बॉयज़ को ऐड करना पड़ेगा, 13 बॉयज़ को ऐड करना पड़ेगा. सो आवर आंसर इज डी, 13. देखिए इफ इन द वर्ड
computers. The first letter is interchanged with the last letter. देखिए word है computer. Okay. मैं यहाँ पर computer write down कर रही हूँ. Computers. Okay. तो इसमें क्या condition दी है? The first letter is interchanged with the last letter. जो first letter है वो किससे interchange हो गया है? Last letter से. It means S यहाँ आ गया है और C यहाँ आ गया है. Okay. The second letter is interchanged with the eighth letter. और जो ये second letter है वो किससे interchange हो गया? Eighth letter से. So eighth letter कौन सा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. So यहाँ पे आ गया है R और यहाँ पे आ गया है O. और यहाँ लिखा हुआ है and so on. मतलब जो अभी तक सीरीज चल रही है वैसे चलती रहेगी. हम ऐसे हमको इंटरचेंज करना है. जैसे M को हम सेवन्थ लेटर से चेंज कर देंगे. सेवन्थ लेटर कौन सा है? ई. इट मीन्स एम और ई क्या हो जाएंगे? इंटरचेंज हो जाएंगे. यहाँ ई आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा एम. ओके. इसी तरह पी और टी भी क्या हो जाएंगे? इंटरचेंज हो जाएंगे. टी एंड पी और यू ऐसे रहेगा. ओके. सो अब हमसे पूछा क्या गया है? Which letter would come just after the letter T in the newly formed word? So, अब हमें ये बताना है कि जो हमने new word बनाया है, ठीक है, जो new combination बनाया है words का, उसमें T के just बाद क्या आएगा? T के just बाद देखिए क्या आ रहा है? U. So, our answer is option B, U. Okay? Question देखिए children. Among A, B, C and D. A, B, C और D में से क्या होगा? B is heavier than A and C. जो B है ना वो क्या है? A और C से हैवी है, हैवियर है. सो हमने यहाँ पे B लिख दिया. ओके. B क्या है? सबसे हैवी है. A और C इससे लाइट वेट होंगे तो वो क्या आएंगे? नीचे. और हमने B को कहाँ रख दिया? ऊपर रख दिया. ठीक है. आगे हम अब पढ़ते हैं, फिर हमें पता चलेगा कि A C से हैवी है या लाइट है. सो हम आगे पढ़ते हैं. C is lighter than A. C क्या है? A से lighter है. So it means जो A है वो C से heavy है. Okay? So और मैंने A को यहाँ पे write कर दिया और C को यहाँ पे. So अब तक हमें ये पता चला कि B क्या है? A और C से heavy है. और जो C है वो क्या है? A से light है. तो मैंने C को नीचे कर दिया, A को ऊपर कर दिया. D is heavier than B. जो D है ना वो B से भी हैवियर है. सो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया D. हु इज द हैवीएस्ट? तो सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट कौन सा है A, B, C और D में से? D. ओके. सो दिस इज आवर आंसर. सो आपको ऐसे ही करना है, हर क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है और आप ऐसे लाइंस बना के इस तरह से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन देखिए चिल्ड्रन. अरेंज द वर्ड्स in a meaningful logical order and then select the appropriate sequence from the options provided below the group of words. So हमें group of words दिए हुए हैं. यहाँ पर क्या है? Five different words हैं. So हमें इन्हें ऐसे arrange करना है, logic लगाना है इस पर. ठीक है, हमें इसको logically arrange करना है logical order में. Okay. और फिर इन options को देखना है कि कौन सा option correct है. ये देखिए चिल्ड्रन, इसमें हमें वर्ड्स दिए हैं ट्रिलियन, थाउजेंड, बिलियन, हंड्रेड, मिलियन. ओके. सो देखिए चिल्ड्रन, हम इसमें क्या ऑर्डर लगा सकते हैं? एक तो असेंडिंग ऑर्डर लगा सकते हैं, एक डिसेंडिंग ऑर्डर लगा सकते हैं. लाइक असेंडिंग में इसमें से सबसे छोटी अमाउंट कौन सी है? हंड्रेड, देन थाउजेंड. ओके. देन मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन. ओके. या फिर हम लगा सकते हैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसे कि पहले आ जाएगा सबसे लार्जेस्ट ट्रिलियन, देन बिलियन, देन मिलियन, देन थाउजेंड, देन हंड्रेड. ओके. सो हमें या तो असेंडिंग में दिया होगा ऑर्डर या डिसेंडिंग में दिया होगा. ठीक है, वही उनमें से दो ही क्या होगा? हमारा आंसर होगा. सो फर्स्टली हम इसे क्या करते हैं? असेंडिंग में अरेंज करते हैं. सबसे छोटा क्या है इसमें से? हंड्रेड. ओके. हंड्रेड की कितनी जीरोज होती हैं? टू. ओके. सो मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया फोर. उसके बाद क्या आते हैं चिल्ड्रन? थाउजेंड. ओके.
1000 में कितनी डिजिट्स होती हैं? 3. ओके, सो इसका नंबर क्या है? 2. उसके बाद आता है चिल्ड्रन मिलियन. ओके, मिलियन में कितनी जीरोज होती हैं? 6. मिलियन मतलब होता है 10 लैक्स. ओके, तो इसमें कितनी जीरोज होती हैं? 6. ओके, सो मैंने यहाँ पर लिख लिया नंबर 5. उसके बाद चिल्ड्रन आता है, मिलियन से बड़ा होता है बिलियन. ओके, बिलियन में जीरोज आती हैं 9. ओके, सो मैंने यहाँ पर लिख लिया 3. और इनमें से सबसे बड़ा क्या है? ट्रिलियन. ट्रिलियन में कितनी जीरोज होती हैं? 12. ओके, सो इसका नंबर क्या है? 1. सो देखिए, आपको ये नंबर, ये सीरीज दी हुई है नंबर्स की. यस, ऑप्शन नंबर डी में देखिए 4, 2, 5, 3, 1. ओके, अगर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होता तो क्या होते ऑप्शंस? 1, 3, 5, 2, 4. वो इसमें है नहीं, सो हमारा आंसर है ऑप्शन डी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सम लेटर्स आर गिवन विच आर नंबर्ड 1, 2, 3, 4 एंड 5 फॉलोड बाय 4 अल्टरनेटिव्स कंटेनिंग कॉम्बिनेशन ऑफ दीज नंबर्स. ओके, सो हमें क्या दिए हुए हैं? कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, कुछ लेटर्स दिए हुए हैं. फाइंड द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स. तो हमें कॉम्बिनेशन नंबर्स का कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करना है. सो दैट लेटर अरेंज अकॉर्डिंगली फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड. सो बेसिकली हमें क्या करना है चिल्ड्रन? हमें यहाँ लेटर्स दिए हुए हैं, हमें इस लेटर से क्या बनाना है? वर्ड बनाना है. ओके, और उन वर्ड्स को फिर किसके फिर किस में अरेंज करना है? नंबर्स में अरेंज करना है. ठीक है, फिर वो नंबर्स में जब अरेंज हो जाएगा वर्ड मीनिंगफुल वर्ड बनाना है. ओके, वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा. सो इसमें से आप देखिए आप क्या वर्ड बना सकते हैं. आपको लेटर दिए हुए ई ओ एल डब्ल्यू आर, बताइए क्या वर्ड बना सकते हैं आप इसमें से? इस क्वेश्चन को इजीली कैसे कर पाएंगे अगर आप ऐसे इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि कौन सा वर्ड मीनिंगफुल वर्ड बनेगा? तो देखिए आप क्या करें, 3 के आगे यहाँ क्या है? 3 के ऊपर क्या है? L. ओके, 4 के ऊपर W, 2 के ऊपर O, 1 के ऊपर E और R. सो ये कोई वर्ड बनता है? नहीं. ठीक है, सो अब यहाँ पर करते हैं हम L, O, W, E, R. तो ये क्या वर्ड बन गया? लो वर्ड. और ये क्या है? एक मीनिंगफुल वर्ड है. सो ये क्या है? हमारा आंसर है. ओके, नेक्स्ट देखिए चिल्ड्रन, R, U, G, O, P हमें ये दिया हुआ है वर्ड. तो अब हम यहाँ पे कॉम्बिनेशंस लगाते हैं. इसके थर्ड पे है G, R, O, U, P. यस, यही हमारा आंसर है. ओके, यहाँ क्या बन गया इन वर्ड से? ग्रुप. ओके, और जो ऑप्शंस दिए हुए हैं बच्चे उसमें कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनेगा. आपको एक ही ऐसा ऑप्शन दिया होगा जिसमें कोई मीनिंगफुल वर्ड मिलेगा आपको. ओके, सो अब हमें ये वर्ड्स दिए हुए हैं, अब हम कॉम्बिनेशंस में लगाते हैं. टी ई एन, 4 पे क्या है? एच, 2 पे है टी. तो ये तो कोई वर्ड नहीं बन रहा. सो हम नेक्स्ट ट्राई करते हैं. टी एन ई एच टी, रॉन्ग. अब नेक्स्ट देखते हैं. टी ई एन टी एच, 10th. ये क्या है? मीनिंगफुल वर्ड. ओके, सो दिस इज आवर आंसर. नेक्स्ट देखिए, 2 के ऊपर है एस, सो एस यू ओ टी एच, ये कोई वर्ड नहीं बना. नेक्स्ट एस ओ यू एच टी, ये भी नहीं बना. नेक्स्ट देखिए बच्चे, एस यू ओ एच टी, ये भी नहीं है. अब देखिए, एस ओ यू टी एच, साउथ. ये क्या है? मीनिंगफुल वर्ड. दिस इज डायरेक्शन साउथ, सो दिस इज द मीनिंगफुल वर्ड. नेक्स्ट देखिए बच्चे, एम ओ एन ई वाई, मनी. यस, दिस इज द मीनिंगफुल वर्ड. सो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड कैन नॉट बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड.
हमें देखिए यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है ओके, और इसमें क्या है कुछ लेटर्स हैं और हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं ओके। सो हमें बताना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जिससे जिस जिसमें क्या है जो ये वर्ड्स हैं इससे मैच नहीं होते। मतलब कि देखिए चिल्ड्रन, अब जैसे यहाँ पे है बैंड, तो बी ए एन डी, तो देखिए इन लेटर्स की हेल्प से हम ये वर्ड बना सकते हैं ठीक है। हमने क्या ढूंढना है इसमें, कैन नॉट ठीक है, कौन सा ऐसा वर्ड है जिसको हम इन वर्ड्स की इन लेटर्स की हेल्प से नहीं बना सकते ओके। सो हमारा ये आंसर नहीं है। अब देखिए टर्बन, टी है इसमें, यू भी है, आर भी है, बी भी है, ए भी है, एन भी है, सो ये भी हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट है बैंक्स, बी है इसके अंदर, यस, ए है, यस, एन, यस, के नहीं है, सो ये क्या है हमारा आंसर, हम इस वर्ड को इन लेटर्स की हेल्प से नहीं बना सकते, सो ये क्या है हमारा आंसर है ओके। नेक्स्ट देखिए इंटेलिजेंट दिया हुआ है हमें, और ऑप्शन ए देखिए, क्या इन लेटर्स की हेल्प से ये वर्ड बन सकता है, आई एन टी ई एल, ये बन सकता है, हमें बताना है कैन नॉट, जो नहीं बन सकता। नेक्स्ट वर्ड है जेंटल, जी ई एन टी एल ई, ये भी बन सकता है। नेक्स्ट इज हिल्ट, हिल्ट बन सकता है, आपको दिख रहा है इसमें एच, नहीं हिल्ट नहीं बन सकता है, सो यही क्या हमारा आंसर है ओके।